हमें नहीं आ सकती नींद, डेडिकेशन का फर्क है। कान पे छोटे वाला मोबाइल बांध के सोते हैं ताकि अलार्म बजे तो सबसे पहले मैं ही उठूं और ये कान के अंदर ही बजेगी, समझ में आया? ये कोई तरीके कोई बोर्ड पे नहीं बताता कोई टीचर, बिकॉज तुम्हारे ही एज के बहुत सारे बच्चे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं और तुम जो है वो दूर भाग रहे हो। तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि हमें कोई कोई पढ़ा कैसे सकता है, और दूसरे बच्चे जिनकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका ये है कि हमें कोई पढ़ा तो दे, एक बार पढ़ा के तो देखो हमें सर, आग लगा देंगे, ऐसा रिजल्ट लेके आएंगे आपने कभी सुना नहीं होगा। समझ में, दो वेराइटी एग्जिस्ट करती है। एक, हमें कोई पढ़ा कैसे दे रहा है सर, संडे वाले दिन क्यों क्लास ले ली सर, 5 मिनट आपने क्लास एक्सटेंड क्यों कर दी सर, आपने इतना होमवर्क क्यों दे दिया सर, दिवाली पे 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी क्यों नहीं दी सर, ठीक है हाँ वैलेंटाइन डे आ रहा है सर उस पे छुट्टी दे दो सर, सर पढ़वा दो सर, बैकलॉग ला दो सर, ये कर दो सर, वो कर दो सर, सर 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 आप ही करो जो करना है। और दूसरी वैरायटी जो एग्जिस्ट करती है, कुछ नहीं सर, ठीक है। इनफैक्ट ऐसे बच्चे को भी जानता हूं जो बटन वाला मोबाइल आता ना बेटा, बटन वाला मोबाइल, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात, दिस इज सीरियस, क्योंकि तुम्हारा डेडिकेशन, समझ में, तुम्हें ऐसा लगता है कि कितना हम पहले से जानते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो डिसाइड करता है आईआईटी जेईई में सिलेक्शन, नहीं जी, आपकी डेडिकेशन डिसाइड करती है, और डेडिकेशन कहीं से खरीद कर परचेज कर कर नहीं लाई जा सकती, वो आपके अंदर ही होती, वो आपके अंदर ही होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो बटन वाला मोबाइल होता है जिसमें वीडियो चल जाती है, बटन वाला मोबाइल जिसमें वीडियो चल जाती है उससे पढ़कर भी आग लगा रहे हैं और तुमसे ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं और तुमसे ज्यादा अच्छी रैंक ले रहे हैं। अब बताओ, और ये जो मेरी स्टेटमेंट है, दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट जो बस सर 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 ऐसा क्यों नहीं होगा, वैसा क्यों नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, वहां पर हमें कब पढ़ाएंगे, समझ में आया, ये अब पढ़ा दो, अब वो पढ़ा दो, ये उन लोगों के लिए। क्या मेरी बात समझ गए? आया ना, तो प्लीज आप जिस, समझ में आया, अलग अलग हिसाब से एटीट्यूड डिसाइड करना पड़ता है। जिस मैदान में आप उतरे हो उसमें भैया बहुत हाई डेडिकेशन चाहिए, बहुत हाई। आप सोच रहे हो छोटी मोटी से काम चला देंगे जैसे 10वीं में होती थी, आज देखा लेक्चर नहीं देखा कोई बात नहीं, इससे नहीं चलता है। हाँ, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे मन को बहलाने फुसलाने के लिए हो सकता है कोई ये आके बोल दे या मैं ही बोल दूं कई बार, कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं मेहनत करता रहे, कोई बात नहीं, नहीं जी नहीं होगा अगर आप ढंग से मेहनत नहीं करोगे। एक भी सेकंड अगर वेस्ट किया तो उसका कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज रैंक जो है वो ऐसी तो आती है, जैसे मान लो किसी की रैंक आनी थी 1105, सर हमने 4-5 सेकंड या एक दिन वेस्ट किया था, हमने दिवाली पे 3 दिन की छुट्टी ली थी, हम क्लास 11 खत्म होने के बाद में फिर शिमला घूमने गए थे, तो ज्यादा ज्यादा यहाँ पे क्या है, एक फर्क इतना ही तो पड़ेगा, या फिर ज्यादा और अगर थोड़ी कम मक्कारी करोगे तो यहाँ ये फर्क पड़ जाएगा, और कम मक्कारी करोगे तो ये, समझ में आ रहा है, बस यहीं पे तो चेंज होगा इस रैंक में ही। तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने किस दिन मक्कारी की और उसका रिजल्ट कहां जाकर खराब होने वाला है। तो प्लीज पढ़ाई करिए, प्लीज पढ़ाई कीजिए, और ऐसा नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हारी एज के बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जानता हूं मैं उन लोगों को जो तुम यहां पे ये सिंबल बना के भेजते हो ना, ये उन्होंने ऑलरेडी लगा रखी है अपनी कॉपियों में, जागने के अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं। सर हमारे तो यहाँ पे सर्दियां आ गई, हमें सर्दाई, मतलब हमारा पूरा परिवार लगकर मुझे उठाता है सुबह, है ना, कि उठ जा बेटा उठ जा, अब तो 11 बज गए हैं, उठ जा, अब तो 2 बज गए हैं, उठ जा, समझ ना। जबकि ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े भैया दीदी को ये बोल के सोते हैं कि अगर नहीं उठूं तो ठंडा ठंडा पानी डाल देना, और ये नौबत भी नहीं आती उनकी डेडिकेशन में। कान पे मोबाइल बांध कर तौलिए से छोटे वाला फिर सोते हैं, सर हमें नहीं आ सकती नींद, डेडिकेशन का फर्क है। कान पे छोटे वाला मोबाइल बांध के सोते हैं ताकि अलार्म बजे तो सबसे पहले मैं ही उठूं और ये कान के अंदर ही बजेगी, समझ में आया? ये कोई तरीके कोई बोर्ड पे नहीं बताता कोई टीचर कि एक काम करना बेटा, अच्छा तुझे सुबह जाग नहीं आती, एक काम करना कान पर ही तौलिए से मोबाइल बांध के सो जाना, कोई किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। अच्छा रात को नींद आती है बेटा, कोई बात नहीं, एक काम करना गर्म पानी को 2 सिप या 3 सिप एक साथ इकट्ठी ले लेना, ठीक है, आया ना, कॉफी जो कच्ची कॉफी होती है उसको सीधी सीधी खा लेना, ये कोई तरीका कोई टीचर नहीं बताता, ये उन लोगों ने खुद इन्वेंट किए हैं जो डेडिकेटेड हैं, जिनके अंदर की इंटेंशन का पहाड़ इतना बड़ा है कि उसको कोई नहीं ब्रेक कर सकता। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे।
और जो नहीं समझे अभी भी तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ सिलेक्शन तो बहुत कम लोगों का होना ना, स्मॉल फ्रैक्शन विल बी गेट सिलेक्टेड, मेजर ऑफ द फ्रैक्शन विल बी रिजेक्टेड, समझ में आया, और सबके पास अपने अपने बहाने होंगे।